रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।